आज हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट सिटी ऑफ यूपी एंड जिसे कहा जाता है कमर्शियल कैपिटल ऑफ उत्तराप्रदेश कानपुर के बारे में। जी हाँ, कानपुर यूनिवर्सिटी है, एमएससी मैथमेटिक्स का कंप्लीट एनालिसिस हम करने वाले हैं, जिसे अब नया नाम दे दिया गया छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी। तो ये बात करेंगे सीएसजेएम कानपुर यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में, क्या है सिलेबस, आप सभी का लगातार क्वेश्चन था, लगातार अभी क्वेरी जा रही थी, सर एमएससी मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं सीएसजेएम से, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। तो आप सभी के लिए डेडिकेटेड वीडियो आज प्रोवाइड करने वाले हैं। यदि आप भी एमएससी मैथमेटिक्स कानपुर से कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो ये आपको वीडियो कंप्लीट जाकर प्रोवाइड करने वाली है। तो आइए बात करें सिलेबस के बारे में, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या चॉइस आपके पास सब्जेक्ट में रहेगी और कितने मार्क्स एग्जाम होता है एंड कैसे एग्जाम पैटर्न में बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है। तो ये बात करते हैं सीएसजेएम कानपुर से पहले बोलता था एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले यदि बात करें सीएसजेएम एमएससी मैथमेटिक्स में सेमेस्टर एग्जाम कर दिए गए, जैसे कि आप जानते हैं जो नया सिलेबस है, चाहे एमबीए हो चाहे एमएससी मैथ का, दोनों का ही आपका सेमेस्टर वाइज रहेगा और हर सेमेस्टर में यदि बात करें 5 पेपर रहेंगे आपके ऑलमोस्ट। यदि बात करें सिलेबस हम करेंगे हर सेमेस्टर वाइज डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ। तो सबसे पहले सेमेस्टर वन के बारे में, जी हाँ सबसे पहले बात करते हैं सेमेस्टर वन, जी हाँ हम बात करते हैं सी एस जे एम एम एस सी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है जी। इसके बारे में हम क्या सिलेबस है आइए बात करते हैं। यदि बात करें एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के, तो जो एग्जाम पहला जो कंपल्सरी एग्जाम के डेट वॉज रियल एनालिसिस करेगा, सेकंड एग्जाम रहेगा आपका टॉपोलॉजी का रहेगा एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, दोनों ही कंपल्सरी सब्जेक्ट है आपकी। एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में जो तीसरा कंपल्सरी एग्जाम है डेट वॉज एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जी हाँ बात करेंगे एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और एक बात और अच्छी कि आपको जो सिलेबस है हमारे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। पेपर फोर एमएससी मैथमेटिक्स का पार्ट डेट वॉज डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज एंड पेपर फाइव फॉर एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर फॉर सीएसजेएम डेट वॉज इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिकल मेथड्स। दीज आर द फाइव एग्जाम इन एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ सीएसजेएम। यदि बात करें एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के चार सब्जेक्ट्स की कोचिंग आपको प्रोवाइड करने अभी फिलहाल चार उपलब्ध, जो कंपल्सरी एग्जाम है जो कॉमन रहेंगे सभी के, कोई चेंज नहीं रहेगा, चारों कंपल्सरी एग्जाम के लिए आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया। आप सीएसजेएम एमएससी मैथमेटिक्स छत्रपति साहू जी महाराज के लिए चार सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स का नीचे लिंक दिया गया आपको, ये सब्जेक्ट अभी हम प्रोवाइड करेंगे आपको फर्स्ट फोर सब्जेक्ट यू में स्टार्ट राइट नाउ। आप पहले चार सब्जेक्ट्स की कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। यदि बात करें सेकंड सेमेस्टर में बात करें हमारे पास, हम बात करेंगे सीएसजेएम एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेम। यदि बात करें सेकंड सेमेस्टर के बारे में हमारे पास कौन-कौन सब्जेक्ट्स हैं, तो सेकंड सेमेस्टर जो पहला सब्जेक्ट होता है जो डेट वाज एडवांस्ड रियलिसिस, डेट वाज एडवांस्ड रियलिसिस, एडवांस्ड रियल एनालिसिस, एडवांस्ड रियल एनालिसिस, डेट वाज अ पार्ट ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर की जो पहला एग्जाम है सेकंड सेमेस्टर, डेट वाज ऑफ एडवांस्ड रियलिसिस। पेपर टू डेट वाज एडवांस्ड टोपोलॉजी, एडवांस्ड टोपोलॉजी, डेट वाज द पार्ट ऑफ एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेम। यदि बात करें थर्ड सब्जेक्ट के बारे में, डेट वाज अगेन कंप्लीट सब्जेक्ट, डेट वाज जो हमारे पास रहेगा डेट वाज ऑपरेशन रिसर्च एंड फोर्थ पेपर, दिस ऑल थ्री आर कंपल्सरी। फोर्थ में आपके पास चॉइस है चार पेपर दिए गए आपको, मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ
इंडियन मैथमेटिक्स फजी सेट थ्योरी प्रोग्रामिंग से आप जो मर्जी चाहे चूज कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन रहेगा प्रोग्रामिंग लिया आसान तो साइज कंप्लीट द सब्जेक्ट। यदि बात करें थर्ड सेमेस्टर, जी हां हम बात करें यदि थर्ड सेम कहां पे हमारे पास CSJM MSc मैथमेटिक्स, ठीक है जी। तो क्या करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है हमारे पास, फर्स्ट सब्जेक्ट होता है दैट इज एब्स्ट्रैक्ट अल्जेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अल्जेब्रा तो कंपल्सरी एग्जाम आपका। सेकंड एग्जाम दैट वाज अगेन फंक्शनल एनालिसिस। थर्ड एग्जाम दैट वाज अगेन फ्लूइड डायनेमिक्स। अगेन फोर्थ अप्रैल में आपका चॉइसेस है, आप जो मर्जी चाहे चूज कर सकते हैं, जिसमें स्पेशल फंक्शन रहेगा, एडवांस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, बेसिक गणित है और बायोमैकेनिक्स है। बेटर आपके पास रहेगा स्पेशल फंक्शन जो आसान है, स्पेशल फंक्शन चूज करें आप थर्ड सेमेस्टर यदि आप करना चाहते हैं। एंड अगेन वन मोर एग्जाम दैट वाज लैंग्वेज है कंप्यूटर की, पाइथन लैंग्वेज है, पाइथन का पार्ट वन है। तो ये सेमेस्टर थर्ड का पार्ट नहीं है हमारे पास एमएससी मैथमेटिक्स का। यदि बात करें फोर्थ सेमेस्टर, जी हाँ हम बात करें यदि फोर्थ सेमेस्टर CSJMU एमएससी मैथमेटिक्स, तो फोर्थ सब्जेक्ट क्या क्या सब्जेक्ट है ये बात करते हैं। आप चाहे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। यदि बात करें फोर्थ सेमेस्टर में हमारे पास क्या रहेगा, वी हैव अगेन सब्जेक्ट्स, जो पहला सब्जेक्ट रहेगा दैट वाज अगेन एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अल्जेब्रा, दैट वाज द फर्स्ट एग्जाम। सेकंड एग्जाम दैट वाज इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री प्रॉब्लम, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, दैट वाज द सेकंड एग्जाम इन फोर्थ सेमेस्टर CSJM। थर्ड में चॉइस आपके पास, फोर्थ में चॉइस आपके पास, थर्ड में आप चूज क्या कर सकते हैं। बात करें फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड में फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास पांच सब्जेक्ट है, आप चूजना चाहे तो आप ले सकते हैं जो आसान रहेगा एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, या तो एडवांस फ्लूड मैकेनिक्स लें आप, या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आपको अच्छा लगता है, सब्जेक्ट का सिलेबस देखें जो लगता है आप समझ सकते अच्छे से कर सकते हैं वो लें। फोर्थ में आपके पास अगेन वी हैव फोर चॉइसेस, तो आप यदि करना चाहते हैं फोर्थ में आप ले सकते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, आसान रहेगा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का जो सब्जेक्ट है बहुत इजी, ठीक है, जो हमारे कोडिंग कमांडेबल है। थर्ड में पांच जो आपको बोलते हैं कि आपका बैकग्राउंड रहा आप कर सकते हैं वो आप चूज कर लेंगे। फोर्थ में कंपल्सरी आप लें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो आपके पास चॉइस में है, बट दैट इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू दिस सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट हर एक सेमेस्टर में जैसे कि आप दिया वो आपका, ठीक है ओके। तो हर एक एग्जाम आप 100 मार्क्स का होगा, जिससे 25 मार्क्स आपकी एस्टिमेट रहेगी, 75 मार्क्स आपके थ्योरी एग्जाम के रहेंगे हमारे पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एग्जाम पैटर्न में डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज आपको दे दिया हमारे ऐप पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का जो डिटेल सिलेबस है टॉपिक वाइज आपको हमारे ऐप पर प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये था हमारे पास CSJM कानपुर इंस्टीट्यूट का, जिसका नाम था पहले, कि सिलेबस क्या है। एंड यदि बात करें हमारे पास आपको सारी जानकारी मल्टीपल टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर दी गई है आपको, और आपको मैंने कोई भी क्वेश्चन है एमएससी मैथमेटिक्स रिगार्डिंग आप हमारी वेबसाइट www.gautamsinha.com विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप सभी के लिए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। इट इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल एमएससी मैथमेटिक्स एस्पिरेंट, जो स्टूडेंट्स एमएससी मैथ करना चाह रहे हैं कहीं से कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए बेस्ट क्वालिटी नोट्स, बेस्ट क्वालिटी लेक्चर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह अवेलेबल कराए गए हैं। एंड मल्टीपल चीज का डिटेल हमने प्रोवाइड किया है, ताकि आप एमएससी कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस हम प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप सीख सकें और जो आपका सपना है एमएससी मैथमेटिक्स पूरा करने का, वो सही समय पर सही तरीके से आप अचीव कर सकें। तो हमने बात की आज कानपुर यूनिवर्सिटी या कहते CSJM छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में। एंड ज्यादा कि आप हमारी वेबसाइट पर लाइव चैट कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्पेशल कॉन्टेक्ट डिजाइन किया वेबसाइट पर, जहां पर आप अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो नीचे आपको हमारे ऐप पर लिंक दिया गया है, और हमारी वेबसाइट पर टीवर आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर एप्पल आईफोन से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बहुत ही बड़ा जो आप सभी का जो क्वेश्चन था, ये तो हमने डिटेल किया सिलेबस का कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या क्या है,
यदि बात करें, हमने भी फर्स्ट सेमेस्टर जो कोर्स आपको प्रोवाइड किया है, जहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात है कि चारों ही कंपल्सरी सब्जेक्ट जो आपके रहेंगे, जो सभी के लिए रहेंगे, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए आप अपनी जो तैयारी आज से स्टार्ट कर पाएंगे। रियलिस्टिक टोपोलॉजी, एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इन सभी का कंप्लीट पैकेज आपको नीचे लिंक दिया गया, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यदि बात करें हमारे पास थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर हमारे पास एडवांस्ड जेनेसिस टोपोलॉजी, यहाँ पाइथन लैंग्वेज रहेगी आपके पास, हम टोपोलॉजी की कोचिंग आपको प्रोवाइड करेंगे, जेनेसिस की प्रोवाइड करेंगे एडवांस वाले की। थर्ड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव अलजेब्रा, फंक्शनलिस्ट, फ्लूइड डायनेमिक्स, स्पेसिफिक चारों कोचिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड यदि बात करें फोर्थ सेमेस्टर में एडवांस्ड ऑब्जेक्टिव अलजेब्रा, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वेल प्रॉब्लम, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ऑलमोस्ट यदि बात करें 16 से 17 एग्जाम में से 13-14 एग्जाम की आपको कोचिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। आउट ऑफ टोटल यदि 20 एग्जाम है तो 17 एग्जाम हम कवर करने वाले हैं, 16 एग्जाम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी सीएसजेएम कानपुर यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स का टूर कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जो सब्जेक्ट हमने आपको प्रोवाइड किए, जो आपको डिस्कस किया। एंड एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया, जहां पर चारों ही कंपल्सरी सब्जेक्ट जो एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट को आप अपनी जो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने टाइप कोड यहाँ पढ़ पाएंगे। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप पर भी आपको लाइव चैट ऑप्शन दिया गया, जहाँ पे आप चैट के द्वारा हमारी टीम के साथ अपनी क्वेरीज को शेयर कर सकते हैं। और आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, आप वीडियो से कमेंट कर सकते हैं। आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, हमें पर्सनल हमारी टीम से जुड़ के आपकी जो हेल्प पॉसिबल है, बेस्ट पॉसिबल डेडिकेटेड सपोर्ट हम प्रोवाइड करें एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। तो आज ही अपनी तैयारी स्टार्ट करें, और आपके मन में कोई क्वेश्चन हमें शेयर करें। तो खुश रहें, खुश बांटते और मैं बिजनेस एंजॉय करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को अपने फ्रेंड्स साथ, ताकि वो भी इस बहुमूल्य जानकारी का बेनिफिट उठा सकें, वो भी सीख सकें, और वो भी अपने सपनों को उससे इसमें पूरा कर सकें। तो अगेन थैंक यू फॉर विद अस, कीप टीचिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।